हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन व्लॉग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग फाइनली देखेंगे अपना नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर का। ठीक है, तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने हमारा जो पार्ट था उसे कंप्लीट किया था। जितने भी टर्म्स थे सारे के सारे देखे थे। उसी के अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, वो दोनों टाइप के क्लासिफिकेशंस भी देखे थे। हर एक टाइप हम लोगों ने देख लिया था, कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस, एकदम बढ़िया कड़क तरीके से विद एग्जाम्पल सब देखा था। ठीक है, इसी के अलावा हम लोगों ने होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, ये वाला क्लासिफिकेशन, मतलब ये वाले कॉम्प्लेक्सेस के टाइप भी लास्ट वाले क्लास में देखे थे। आज के क्लास में मैं लेने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हर एक एंट्रेंस में मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि आज का क्लास जो करेगा उसका जेई के सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, उससे नीट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उससे एमएसटी सीईटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और भी कोई एंट्रेंस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसके सिलेबस में ये है तो आपका वो भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और उसी के साथ साथ ऑफकोर्स भाई स्टेट बोर्ड का तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आज का क्लास इतना बढ़िया क्लास रहने वाला है, सारे एंट्रेंसेस का कवर हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। एक रिक्वेस्ट सबसे है, कर सकती हूँ ना रिक्वेस्ट बस मेरी ये है कि स्टार्टिंग से क्लास को एकदम बढ़िया ध्यान के साथ आपको देखने का है। अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हो गया तो बस फिर आप नहीं कर सकते। सारी चीज़ें छोटी छोटी सारी की सारी चीज़ें जो होगी वो आपको हेल्प करेगी उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से आपको इतना खतरनाक वाला अटेंशन देना है जिससे कि ये आज के आज ही हमारा पूरा क्लियर हो जाए। IUPAC नेम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। आई डोंट नो क्यों मिस्टेक करते हैं। एक तो छोटा पार्ट कहीं पे आयन लिखना भूल जाते हैं, कहीं पे ओ लिखना भूल जाते हैं लिगेंड के नेम में, कहीं पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट में मिस्टेक कर देते हो, तो बहुत सारी गलतियाँ होती है। इसीलिए तो एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा कर ही नहीं सकता है। लेकिन आप भी उसको दिखा दो कि आप वो सब कर सकते हैं जो वो सोचता है कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिखा देना भाई, बस भाई करके। ठीक है, पेपर के अंदर में चलिए देखते हैं हम लोग IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। ठीक है, IUPAC नेम। अब IUPAC नेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा काम की है, जो हम लोग को याद रखनी है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं हम लोग को बेसिक चीज़ों को। बुक में तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे रखा है, हम लोग इतना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट एकदम बढ़िया तरीके से फ्रेम करके दे रही हूँ, जो मेरे जेई नीट और जो भी मेरे जेई और नीट के नोट्स है मैं उसमें से आपको ये वाली चीज़ पढ़ा रही हूँ, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी हम लोग हमेशा स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, लेकिन जो मेरे खुद के जेई और नीट के नोट्स से जो मैंने बनाए हैं, जो मेरी उस नोट्स में सारी की सारी मेरी खुद की स्ट्रैटेजीज़ है। बुक की स्ट्रैटेजी तो है ही है, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने ऐसे डिज़ाइन की है जो बाकी और सर वगैरह के पास है ही नहीं, जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है जिससे कोई भी चीज़ का आंसर विद इन अ मिनट आ सकता है। भले हो सकता है कि नॉर्मल लोगों को उसी क्वेश्चन को करने के लिए टाइम लगता हो, बट मेरे वो ट्रिक से बहुत ईजिली आंसर आ सकता है। तो उसी तरीके से वही वाले ट्रिक का पार्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करती हूँ IUPAC नेम्स की, ठीक है भाई, IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग देख रहे हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर किसका? ना मेरा, ना आपका, ना किसी और का, बट भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो हम लोग देख रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, या तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी चलेगा। चलिए भाई देखते हैं जल्दी से। सबसे पहली चीज़, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कुछ इस टाइप का आ गया, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहली चीज़, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कुछ इस टाइप का आ गया, ठीक है, मेटल लिगेंड एन टाइम्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स अगर आ जाता है तो इस कॉम्प्लेक्स को आप देख लीजिए कैसा लिखेंगे। आप इस कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नेम आएगा। सबसे पहले किसका नेम आएगा? लिगेंड का नेम। सबसे पहले लिगेंड का नेम आएगा, ठीक है। लिगेंड के नेम के बाद में आपका मेटल का नेम आएगा, जो भी आपका सेंट्रल मेटल है, जो भी आपका सेंट्रल मेटल है उसका नेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेंट्रल मेटल नेम, सेंट्रल मेटल नेम। उसी के बाद में मेटल की आएंगी भाई ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आपकी मेटल की आएगी ऑक्सीडेशन नंबर या तो ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, ये रहेगा आपका पहला वे। चलिए मूव करेंगे सेकंड फ्रेम की तरफ। सेकंड फ्रेम
अभी पिक्चर जब पूरी आ जाएगी ना, बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों ने भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कहीं पे भी, मैं लिख के देती हूँ, गारंटी के साथ लिख के देती हूँ, कहीं पे भी जाके पढ़ लो, ये ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जैसा मैं अभी पढ़ा रही हूँ। क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये प्योरली मैंने डिज़ाइन किए हैं, इसलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको सपोज़ अगर ऐसा आ जाए एक्स एम एल और एन टाइम्स, यहाँ पे जो भी आपका एक्स है वो आपका एक कटायन है, एक्स आपका एक कटायन है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग देखो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपके कटायन का नेम, सबसे पहले भाई हम लोग लिखेंगे कटायन का नेम, ठीक है। कटायन के नेम के बाद में आप लिखोगे लिगेंड का नेम, लिगेंड के नेम के बाद में आप लिखोगे भाई सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का जो भी नेम है वो, और उसके बाद में आएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सेंट्रल मेटल का तो आएगा, उसमें आपको लगाना है एटी, और फिर उसके बाद में आएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये फ्रेम कैसे आ रहा है, कैसे क्या आ रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है मुझे पता है, मैं सब समझाने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट करो। चलो मूव करते हैं तीसरे थिंग की तरफ। तीसरी चीज़ आपकी यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि अगर आपको फ्रेम कुछ और तरीके से आ जाए, सपोज़ हो सकता है आपको फ्रेम कुछ ऐसी आ जाए, ये है आपका मेटल, ये है आपका लिगेंड एन टाइम्स, और ये है आपका वाई, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका वाई है वो सपोज से वो अनायन है, ठीक है। तो इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे, एक बार ये फ्रेम लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नेम, सबसे पहले आएगा लिगेंड का नेम, फिर आएगा आपका सेंट्रल मेटल का नेम, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल मेटल का नेम आने के बाद में आप लिखोगे एक सेकेंड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, या तो फिर आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हो, चलता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद में आएगा आपके अनायन का नेम। ये फ्रेम अगर समझ जाए ना तो सब कुछ समझ जाएगा। अब बुक में क्या किया है, बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे। अब आप लोग ही मुझे बताओ, ये इतनी बड़ी कहानी पढ़ने के बाद सच में कुछ आता भी है क्या? इतनी बड़ी कहानी अगर पढ़ना स्टार्ट किया, अगर पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब तक कि अपन लास्ट लाइन पे आते ना, अपन वो भूल ही जाते कि पहली लाइन में क्या पढ़ा था, सेकंड लाइन में क्या पढ़ा था, दिमाग से निकल जाता है कि नहीं? इतना सारा कौन याद रखेगा यार, कितना बोर मारता है वो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना, सच में है कि नहीं? तो अब इसलिए हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट कुछ इसी तरीके से फ्रेम करो, जिससे पढ़ने में आपको वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, आपका टाइम भी सेव हो, और पढ़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वो आपको याद रहे, ठीक है भाई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हो सकता है फोर्थ फ्रेम आपको कुछ इस तरीके से आ जाए, मेटल लिगेंड एन टाइम्स, और यहाँ पे सपोज आ जाए एन माइनस। तो ऐसे केस में आप इसको लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड का नेम सबसे पहले आएगा, लिगेंड के नेम के बाद में आएगा आपके सेंट्रल मेटल एटम, जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है, जो भी आपके सेंट्रल मेटल का नेम है, ठीक है, मेटल का नेम आएगा, फिर उसके बाद में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में आपको लगाना है उसमें एटी, और लास्ट में आपका आएगा आयन, ठीक है। और लास्ट वाला जो सब टाइप है आपका वो है आपका ये वाला मेटल लिगेंड एन टाइम्स और एन प्लस। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तब भी आप सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नेम, ठीक है, सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका सेंट्रल मेटल नेम, जो भी आपके सेंट्रल मेटल का नेम है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में आएगा आपका आयन, ठीक है भाई। तो ये है आपका फ्रेमवर्क। सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने फ्रेम किया है, सीरियसली बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, और फिर मैं आपको समझा के देती हूँ। लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए भाई समझते हैं इस टाइप को। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखने के लिए आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, आपको जज करना है कि इसमें से कौन सा वाला फ्रेम है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है। अगर हमको इतना आइडिया मिल जाए कि हमको जो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम पूछा गया है वो किस कैटेगरी में आता है, तो नाम लिखना तो यू हो जाएगा भाई, यू आप लोग नाम लिख सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग थी।
सेकेंड थिंग ये थी कि सारे के सारे कसम खाओ कि सबसे पहले हम लोग हमेशा लिगेंड का ही नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग हमेशा, हम लोग मतलब अपन सब, आप भी लिगेंड का ही नाम लिखेंगे। देखो भाई, हर जगह पे पहले लिगेंड का नाम आएगा, ठीक है, हर जगह पे लिगेंड का नाम आता है, आगे बाकी है बता रही हूँ मैं, ठीक है। लिगेंड के नेम के बाद में ही हमेशा मेटल का नेम आएगा, इतनी चीज़ आप फिट कर लो दिमाग में कि हमेशा लिगेंड के नेम के बाद में ही आपके मेटल का नेम आएगा। देखो यहाँ पे भी पहले लिगेंड का नेम है फिर मेटल का है, यहाँ पे भी पहले लिगेंड का नेम है फिर मेटल का है, हर जगह पे बिल्कुल वैसा ही है, पहले लिगेंड का नेम आया और बाद में ही आपके सेंट्रल मेटल का नेम आया। याद कर लो एकदम बढ़िया तरीके से, फिट कर लो माइंड में कि पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे उसके बाद में ही हम लोग सेंट्रल मेटल का नेम लिखेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, इतना हो गया भाई, हो गया क्लियर। अब बढ़ते आगे की तरफ। एक चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि अगर पहले कटायन आ जाता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि हमेशा पहले आप लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे उसी के बाद में मेटल का नाम लिखेंगे, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मुझे ये क्लियरिटी आपको बतानी है कि हमेशा अगर पहले कटायन आ जाए, अगर पहले कटायन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्स है ये कटायन है, सीधी सीधी बात, देखो भाई कॉम्प्लेक्स से पहले कटायन आया, ज़रा नोटिस करो, इस कॉम्प्लेक्स के पहले कटायन आया, इसका मतलब कटायन का नेम भी कहाँ पे आएगा, सबसे पहले। दिमाग में इतनी चीज़ फिट कर लो भाई, फिट कर लो कि अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पहले कुछ आता है कटायन, तो पहले कटायन का नाम लिखेंगे, बाद में अपना सिस्टम चालू करेंगे लिगेंड का नेम फिर मेटल का नेम। ये ट्रेंड तो हर जगह पे रहेगा, पहले लिगेंड का नेम फिर मेटल का, लिगेंड मेटल हर जगह पे वही ट्रेंड है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पहले कटायन आ जाता है पहले, तो आप पहले कटायन का ही नाम लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, लिगेंड का नेम, सेंट्रल मेटल एटम का नेम, प्लस एटी और ऑक्सीडेशन नंबर। सुनो, सबसे पहली पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे कवर कराया है, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको जो कवर कराया वो ये बताया कि सबसे पहले आप लोग हमेशा लिगेंड का नेम लिखेंगे और उसी के बाद में आप लोग हमेशा सेंट्रल मेटल का नेम लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहला पॉइंट कवर कराया। सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि अगर कटायन आता है तो हमेशा आप कटायन का नेम लिखेंगे, ज़रा ध्यान देना। दिमाग में बड़े कन्फ्यूजन चलते रहते, मैम कहीं पे तो आपने मेटल का नेम ही लिखा है, कहीं पे आपने मेटल के नेम के बाद में एटी लगा दिया है, कहीं पे नहीं लगा है, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। तो सुनो भाई, मेटल के नेम के बाहर एटी कब लगाना है और कब नहीं लगाना है वो अभी हम लोग देखते हैं। सुनो भाई, अगर आप लोगों को सपोज मैंने कोई भी एक ऐसा दिया है, सपोज यहाँ पे कटायन है, लेटेस्ट से ये है आपका मेटल, ये है आपका लिगेंड और ये है आपका कटायन, ठीक है। जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे, आप लोग ही मुझे ज़रा बताना भाई, तो ये है मेटल, ये है लिगेंड, एंड टाइम्स इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, येस और नो। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर ये एक्स कटायन है, बिल्कुल ये वही वाली चीज़ है, देखो यही वाली चीज़ है, यहाँ पे आपका ये जो एक्स है ये कटायन है, ये एक्स यहाँ पे क्या है, कटायन है। तो अगर ये कटायन है, जब आप इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने जाएंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, तो बस दिमाग में इतनी ही चीज़ फिट कर लो कि यहाँ पे ये कटायन है, ये कटायन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज, उल्टा चार्ज। अगर ये कटायन है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, येस और नो। अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो मेटल के स्पेलिंग में हमेशा हम लोग एटी ही लिखते हैं। सब पॉइंट्स कवर होंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी आपको इस स्टेज पे कुछ भी नहीं समझेगा, बिलीव मी गाइस, जब पूरा होगा तभी समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। तो अब समझ में आया कि यहाँ पे मेटल के नाम के सामने एटी क्यों आया। अब सुनो, क्या यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नहीं, तो क्या यहाँ पे एटी आएगा, नहीं। क्या यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में एटी आएगा मेटल के नाम के पास, तो हाँ भाई आएगा, क्योंकि ये कटायन है। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो ये कैसा बनेगा, मेटल, लिगेंड और माइनस चार्ज, है कि नहीं। ये कटायन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब उसका उल्टा आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, ठीक है, एक बार समझ गया तो फिर सब आ जाएगा। अब इसके ऊपर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो मेटल के स्पेलिंग में क्या आया भाई, एटी आया। चलो आगे बढ़ेंगे, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे इसकी, ठीक है, ज़रा ध्यान देना।
अगर मैं इसको तोड़ती हूँ, ज़रा ध्यान देना, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना चाहती हूँ तो ये है आपका मेटल, ये है आपका लिगेंड। आप लोग ही मुझे बताओ, जब यहाँ पे कटायन था, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर उसका उल्टा चार्ज आया, मतलब नेगेटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे ये अनायन है भाई, अनायन, अनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? उसका उल्टा चार्ज। नेगेटिव का उल्टा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर से देखो भाई, फिर से देखो, यहाँ पे है अनायन, अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव का उल्टा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो मेटल के स्पेलिंग में एटी नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो भाई, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया, तो मेटल के स्पेलिंग में एटी लगाएंगे। यहाँ पे देखो भाई, क्या कोई मेटल के कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है? नहीं, तो मेटल के स्पेलिंग में एटी नहीं लगाएंगे। मतलब क्लियरिटी मुझे अभी तक इतनी मिली, अभी सब समझाएंगा, सब समझेगा, क्लियरिटी मुझे अभी तक इतनी मिली कि सबसे पहले हमेशा मैं लिगेंड का नाम लिखूंगी, उसके बाद में ही सेंट्रल मेटल का नाम लिखने का। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद में ही सेंट्रल मेटल का नाम लिखने का। ये तो हो गया क्लियर। फिर मैंने आपको क्या बताया, सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय अगर कटायन पहले आता है तो आपको कटायन का नेम हमेशा पहले लिखना है। ये सीरीज़ अपनी ऐसी रहेगी कि लिगेंड पहले लिखेंगे, बाद में मेटल का नाम लिखेंगे, वो ठीक है भाई, वो सीरीज़ रहेंगी। लेकिन ये अगर कटायन है, ये कॉम्प्लेक्स के पहले आ रहा है, तो आपको पहले कटायन का नेम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई? इतनी चीज़ दिमाग में फिट कर लो। थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो आप लोग हमेशा मेटल के स्पेलिंग में क्या लगाएंगे? आप लोग हमेशा मेटल के स्पेलिंग में एटी लगाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव है क्या? नहीं, इसलिए एटी नहीं आया। यहाँ पे नेगेटिव है क्या? देखो भाई, ध्यान देना, यहाँ पे नेगेटिव दिखता नहीं है, लेकिन अगर आंखें खोल दी जाए ना, तीसरी आंख भी अगर खोल ली जाए, तो आपको यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज दिखेगा। कैसे दिखेगा? ये कटायन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर उल्टा चार्ज आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ गया, मेटल के नेम में एटी आएगा। यहाँ पे है क्या भाई? यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मेटल के नेम में एटी आएगा। यहाँ पे है क्या भाई? नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, इतना क्लियर हो गया सबको? चलो भाई, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया, आई एम सो हैप्पी। चलो बढ़ते आगे की तरफ। अब ये चीज तो हो गई भाई क्लियर। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि मेटल के नेम के बाद, थर्ड पॉइंट, जो भी आपका मेटल का नेम रहेगा, मेटल के नेम के बाद में अगर एटी आता है, नहीं आता है, जो भी होगा, लेकिन उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ता है भाई? ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर। ब्रैकेट में आपको हमेशा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है। इसी को आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो, जो कि आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, ठीक है? लेकिन याद रखना, ये हमेशा आपके रोमन नंबर रहने चाहिए, ठीक है? हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में दोगे। अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में नहीं दिया तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब रोमन में कैसे भाई? देखो, अगर वन है तो कैसे लिखते हैं वन? ये याद करो, अभी स्कूल डेज की याद आ गई होंगी। पता है, स्कूल में जब अपन लोग कॉपीज़ लाते थे, नहीं, मेरे को बहुत याद आ रहा है, स्कूल में जब अलग अलग न्यू कॉपीज़ लाते थे और सामने में मस्त कवर लगाते थे एकदम बढ़िया तरीके से, वो ऑरेंज वाले कवर आते थे ना, वो कवर लगाते थे सारे के सारे अपने कॉपीज़ पर। फिर आते थे अलग अलग स्टिकर्स, जितने भी बॉयज़ रहते हैं, जितने भी लड़के रहते हैं, वो रहते थे कार वाले स्टिकर्स। कुछ जो लड़कियां रहती थी वो लेती थी बस भाई बस, क्या बारबी डॉल के स्टिकर्स। लड़कियां हमेशा बारबी डॉल के स्टिकर्स लेती थी, मैं भी हमेशा वही लेती थी भाई, बारबी डॉल्स के। लड़के हमेशा कार के लेते थे अलग अलग, वो BMW, मर्सिडीज, ऐसे ऐसे जैगुआर, ऐसे ऐसे कार के फ़ोटोज़ लगाते थे। और कुछ जो बच्चे रहते थे वो लगाते थे डोरेमोन, पिकाचू, नोबिता, बहुत सीजुका, कितने सारे कार्टूनों के फ़ोटो लगाते थे, याद आया? उस स्टिकर के ऊपर में याद करो सारे के सारे, उस स्टिकर के ऊपर में याद आ रही है ना वो दिनों की? उस स्टिकर के ऊपर में जब आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड लिखना पड़ता था तो आप ये ऐसा वन लिखते थे, याद आ गया ना?
सेकंड लिखना पड़ता था तो ये ऐसा सेकंड लिखते थे, याद आ रहा है सबको? मुझे तो बड़ा याद आ रहा है यार। थर्ड लिखना है तो थ्री लिखेंगे ऐसे इस तरीके से, फोर लिखना है तो फोर लिखेंगे, फाइव लिखना है तो फाइव लिखेंगे, और सिक्स लिखना है तो सिक्स लिखेंगे। इतना काफ़ी है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आते ही नहीं है, फोर के ऊपर ही नहीं आते। बट ये याद कर लो यार, प्लीज़ ऐसे मत लिखना, ये ऐसे लिखना रोमन लेटर्स में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हमको रोमन लेटर्स नहीं आते, बट याद करो वो दिन जब आप स्कूल के उस कॉपी के नए वाले जो कवर रहता था जिस पे स्टिकर लगाते थे अलग अलग बार्बी डॉल के, कार्टूनों के, कार्स के, उसके ऊपर में आप अपने स्टैंडर्ड का नंबर रोमन लेटर्स में देते थे। बस वही तो रोमन लेटर है भाई, ये कुछ नया थोड़ी है, समझे या नहीं समझे। तो सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर में ही लिखने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आपका यहाँ पे ये है, दिमाग में क्वेश्चन बड़े आते हैं, मैम ये आयन क्यों आया है, कहीं पे आयन आया है कहीं पे आयन नहीं आया है, और हमको कैसे पता चलेगा कि आयन आएगा या नहीं आएगा। तो देखो भाई, आयन आएगा या नहीं आएगा ये आपको कॉम्प्लेक्स बताएगा। देखो क्या यहाँ पे आयन है, नहीं तो आयन नहीं आएगा। क्या यहाँ पे आयन है, नहीं तो आयन नहीं आएगा। कुछ लोग बोलेंगे अभी तो थोड़ी देर पहले आपने ऐसा ऐसा करके निकाला था, भाई वो तो मैंने निकाला था, वो तो मैंने प्रेडिक्ट किया था, बट क्या ये आयोनिक फॉर्म में दिया है, नहीं वो तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा टूटेगा वैसा होगा, ये तो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ ऐसा टूट सकता है वैसा हो सकता है, बट वो थोड़ी क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में तो आपको ये दिया था क्या यहाँ पे कोई चार्ज है, नहीं आयन नहीं आएगा। आगे बढ़ो, क्या यहाँ पे कोई चार्ज है, नहीं आयन नहीं आएगा। वो तो तोड़ने के बाद कुछ ना कुछ आएगा, वो तो अपन ने तोड़ा, क्वेश्चन में थोड़ी तोड़ के दिया है। आगे बढ़ो, क्या यहाँ पे कोई चार्ज है, हाँ चार्ज आ गया आयन भी आएगा, चार्ज आ गया आयन भी आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज आया या नहीं आया, आया। यहाँ पे भी चार्ज आया, यहाँ पे भी आयन आएंगे, समझे या नहीं समझे। एक बार चलो जल्दी से देखते, सबसे पहली कसम, हमेशा हम लोग लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे बाद में ही मेटल का नाम लिखेंगे। सबसे पहली कसम, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे बाद में ही हमेशा मेटल का नाम लिखेंगे। सेकंड थिंग मैंने आपको यहाँ पे ये बताई, गाइस कि सेंट्रल मेटल के बाद में मेटल के नाम में एटी आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा वो बताया। तो कैसे याद रखना है, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव साइन आ जाए, ठीक है, तो मेटल के नेम में एटी आता है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव साइन आया इसलिए मेटल के नाम में एटी आया। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स में कटायन अटैच है, कटायन, तो याद रखना है भाई कि जब वो कटायन को हम लोग तोड़ते हैं, कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर उसका उल्टा मतलब नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आता है इसलिए मेटल के नाम में एटी लगाते, समझ में आया। मेटल के नाम में एटी ही उसी कॉम्प्लेक्सेस में लगाने का, एक तो जिसमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है, और सेकंड थिंग ये होगी कि अगर उस कॉम्प्लेक्स के साथ में कोई भी कटायन अटैच है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसका नेगेटिव चार्ज, जिसका उल्टा चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा, उसमें आप मेटल के स्पेलिंग में एटी लगाएंगे, ठीक है। मेटल के नेम के बाद भले ही एटी आता हो या नहीं आता हो, लेकिन उसके बाद में ब्रैकेट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का है, और वो भी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे भाई, सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे काय में, रोमन लेटर्स में, ठीक है भाई। इतना समझ गया, एक चीज़ और बता देती हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपका कुछ इस टाइप का ही आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड का नेम आएगा, मेटल का नेम आएगा, ठीक है भाई, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा जो भी है। अब यहाँ पे ये वाई आपका अनायन है, ये जो अनायन है क्या ये कॉम्प्लेक्स के पहले आया या बाद में आया, बाद में आया। जैसे मतलब जैसे उनकी पोजीशन है वैसा ही उनका ओरिएंटेशन रहेगा। यहाँ पे कटायन पहले आया कॉम्प्लेक्स के, इसलिए कटायन का नाम भी कहाँ पे लिखा, पहले लिखा। यहाँ पे कटायन पहले आया कॉम्प्लेक्स के, इसलिए कटायन का नाम भी कहाँ पे लिखा, पहले लिखा। यहाँ पे अनायन बाद में आया कॉम्प्लेक्स के, यहाँ पे अनायन बाद में आया कॉम्प्लेक्स के, इसलिए अनायन का नाम भी कहाँ पे आया, सबसे लास्ट में। याद रखने का, कटायन कॉम्प्लेक्स के पहले आता है इसलिए उसका नाम भी सबसे पहले आता है, अनायन कॉम्प्लेक्स के बाद में आता है, ये कॉम्प्लेक्स है बाद में आयन, बाद में आया ना, इसलिए अनायन का नाम भी कहाँ पे आएगा, सबसे लास्ट में। आयन कब लिखेंगे, जब किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर में चार्ज गिवन है।
अब ये चार्ज तो भाई मैंने ड्रॉ किया है, ये चार्ज दिया थोड़ी था, ये ऐसा थोड़ी ड्रॉ करके दिया था उन्होंने, तो ये दिया था ना। सीधी सीधी बात, अगर चार्ज नहीं है तो आयन नहीं लिखेंगे, अगर चार्ज है चाहे प्लस चाहे माइनस तो आयन लिखेंगे। ठीक है, फिट हो गया भाई दिमाग में। देखो भाई, सबसे पहले लिगेंड का नेम आया, फिर मेटल का नेम आया, फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, काम ख़त्म। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो सबसे पहले कटायन आ रहा है, तो पहले कटायन का नेम, फिर लिगेंड का नेम, फिर सेंट्रल मेटल का नेम। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ये कटायन है, जब कटायन टूटता है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए मेटल के स्पेलिंग में एटी आया, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड का नेम, हमेशा लिगेंड का नेम पहले आता है, फिर सेंट्रल मेटल का नेम। ठीक है, उसके बाद में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद में आपके अनायन का नेम, अनायन लास्ट में आता है इसलिए अनायन का नेम भी लास्ट में आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले लिगेंड का नेम, फिर सेंट्रल मेटल का नेम, फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले एटी लगा देना, हाँ एक सेकेंड, पहले एटी लगाएंगे फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इतना कुछ ये नहीं है, चलता है, चलो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव साइन आया इसलिए मेटल के नेम में एटी लगाया, फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर्स में आएंगे, याद है ना वो स्टिगर वाला स्कूल वाला सिस्टम, जिसमें डोरेमोन, पिकाचू, शिजुका, नोबिता, उसकी मम्मी, ये अलग अलग कार्टूनों में आते थे अलग अलग फॉर्म में, है कि नहीं? तो बस वही वाली चीज़ थी भाई, ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद में आयन। आयन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज है। नीचे आओ, लिगेंड का नेम, फिर मेटल का नेम, फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, उसके बाद में आपका आयन आएगा। ठीक है, इतना समझ गया। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे मेटल के नेम में एटी क्यों नहीं आया, क्योंकि अपन को पता है मेटल के नेम में एटी तभी लगाने का जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज हो या कॉम्प्लेक्स किसी कटायन से अटैच हो। समझे या नहीं समझे, चलिए भाई मूव करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस कराती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको सभी कॉम्प्लेक्सेस के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है। ठीक है, ये कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। सभी कॉम्प्लेक्सेस में आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, वो मैं सब सिखाऊंगी, टेंशन मत लो। सेकंड थिंग ये है कि सबसे पहले हमेशा लिगेंड का नाम लिखना है, फिर मेटल का नाम, क्योंकि ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए। थर्ड थिंग ये है, अपना ईमेल आईडी किसने फ्रेम किया है, जीमेल आईडी या ईमेल आईडी, रेडिफ मेल होगा, याहू वाला होगा या जीमेल वाला होगा, जो भी ईमेल आईडी होगा, कभी उसमें स्पेस रहता है क्या? नहीं। याद रखने का भाई, ये आईयूपीएससी नेम में भले ही आपको अभी डैश दिख रहा है, ये तो मैंने अभी ऐसे बताया है, कभी भी आईयूपीएससी नेम में स्पेस नहीं लिखने का, स्पेस नहीं आना चाहिए। जीमेल आईडी, रेडिफ मेल, याहू, गूगल, बहुत सारे होते हैं भाई अलग अलग नाम के बिजनेसेस वगैरह के, कभी उसमें स्पेस होता है क्या? नहीं, कभी स्पेस नहीं डालने का। ठीक है, आगे, जब भी कोई अनायन का नेम लिखते हैं तो अनायन के नेम में एक तो आप हमेशा ए टी ई लगाते हो या तो ओ लगाते हो। अनायन का नेम लिखते वक्त आप हमेशा ए टी ई लगाते हो या तो ओ लगाते हो, जैसे कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, नाइट्रो, ऐसे। तो ये सब मैं आपको भी बताने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन लेटर्स में लिखते हैं। उसके बाद में ये है कि अगर आपके लिगेंड्स का नंबर ज़्यादा आ जाए तो आप डाई टेट्रा लगाते हो, वो मैं सब समझा के देती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। उससे पहले सारे स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, अब मैंने ये सारे के सारे मेटल और लिगेंड के सिंबल्स लिख दिए, अब हम लोग लिखेंगे इन सब के नेम्स को। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, जल्दी जल्दी आ जाएंगे सारे के सारे यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर BR आ जाए तो अगर मुझे ओ वाला फॉर्म लिखना है, मतलब मुझे लिगेंड का नेम तो लिखना ही है और मुझे स्टार्टिंग में उसमें ओ भी लगाना है, तो अभी मुझे देखना है मैं कैसे लगाऊंगी। यहाँ पे BR माइनस है, तो BR माइनस मतलब जनरली ब्रोमीन होता है, तो अगर मुझे ओ वाला नाम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? ब्रोमो। ठीक है, मतलब मुझे उसके लास्ट में ओ लगाने का है, तो ये क्या बन जाएगा? ब्रोमो। तो बिल्कुल वैसे भाई, Cl माइनस मतलब क्लोराइड होता है, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोरो। तो अभी यहाँ पे आप BR माइनस मतलब ब्रोमाइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्रोमो। क्योंकि मेटल के नेम में, मेटल के नेम के साथ जो भी आपको लिगेंड का नेम लगाने का है, लिगेंड का नेम हमेशा O के साथ में लगना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ F माइनस की, तो F माइनस का मतलब आपका क्या रहेगा? फ्लूरो। ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे BR माइनस है तो आप ब्रोमाइड नहीं बोलेंगे, आप ब्रोमो बोलेंगे। Cl माइनस है तो क्लोरो, F माइनस है तो फ्लूरो, और I माइनस है तो आयोडो। ठीक है भाई, समझ रहा है ना? कुछ भी नहीं करने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। रही यहाँ पे आयोडाइड है, तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि आयोडाइड है, क्या बोलेंगे? आयोडो।
यहाँ पे आएंगे, इसका नाम साइनाइड है, तो अब क्या बोलेंगे? साइनो, बिल्कुल सही भाई, साइनो। आगे ये इसका नाम क्या है? एसोफोर, एसोफोर मतलब सल्फेट होता है, तो अपन क्या लिखेंगे? सल्फेटो, याद रखने का, इसका नाम था सल्फेट। एसोफोर टू माइनस मतलब सल्फेट होता है, एसोफोर टू माइनस मतलब सल्फेट होता है, ठीक है भाई। लेकिन आप उसको क्या बोलेंगे? सल्फेटो, क्योंकि हम लोग प्लस ओ वाले नेम्स लिख रहे हैं, प्लस ओ लगाना है लास्ट में। अब ये जो है ये नाइट्रेट है ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे भाई? आप इसको बोलेंगे नाइट्रिटो, 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 नाइट्रिटो बोलेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ पे इसका नाम नाइट्रेटो है, नाइट्रेटो, ओके। चलो आगे ये है, ये क्या है? कार्बोनेट है, कार्बोनेट है ना, तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो, ठीक है भाई। तो समझ रहा है आप सबको, ये NO3- है, इस NO3- को हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे तो O वाले नेम्स लिखना है, तो नाइट्रेटो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कार्बोनेटो। आगे देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग यहाँ पे O के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाइड्रोक्सो। आगे आ जाओ, C2O4 2-, C2O4 का मतलब ऑक्सैलेट होता है, क्या होता है? ऑक्सैलेट। तो C2O4 2- को ऑक्सैलेट अगर उसका नाम है, मुझे अगर O के फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या बोलूँगी? ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो, क्या नाम आएगा भाई? ऑक्सैलेटो, सबके लास्ट में ओ ओ लगाने का। यहाँ पे NO2 है, NO2 का मतलब क्या होगा? नाइट्रो, ठीक है भाई। ओ एन ओ, ओ एन ओ है, ओ एन ओ, तो ओ एन ओ के लिए नाम क्या रहता है भाई आपका? ओ एन ओ के लिए नाम रहता है नाइट्रिटो। HCN, HCN के लिए मतलब होता है थायोसाइनेट, HCN मतलब होता है थायोसाइनेट। थायो का मतलब क्या होता है? थायो का मतलब सल्फर होता है, तो HCN का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? थायोसाइनेट। देखो भाई, CN मतलब साइनेट और सल्फर मतलब थायो, तो थायोसाइनेट है कि नहीं? लेकिन अपन को O वाला नाम चाहिए, तो अपन लोग क्या लिखेंगे इसको? थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। नीचे आ जाओ ज़रा, अब यहाँ पे साइनेट का उल्टा किया है, साइनेट का उल्टा किया है कि नहीं? तो इसका नाम क्या आएगा? आइसो थायो साइनेटो, आइसो थायो साइनेटो। आइसो क्यों आया? क्योंकि आपने थायो साइनेट को उल्टा कर दिया है, HCN के जगह आप NCS बना दिया, इसलिए आयो आइसो थायो साइनेटो। आगे आ जाएंगे यहाँ पे, अब ये है आपके न्यूट्रल लिगेंड्स, ये तो आपके सारे के सारे अनायनिक लिगेंड्स थे, ये भाई आपके सारे के सारे अनायनिक लिगेंड थे, अनायनिक लिगेंड, ठीक है। और ये आपके सारे के सारे कैसे लिगेंड है? ये आपके सारे के सारे है भाई न्यूट्रल लिगेंड। कैसे लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई सारे के सारे जल्दी से। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो इसका नाम आप लोग लिखेंगे अमीन, अमीन लिखना है भाई इसका नाम। वैसे तो इसका नाम आपका अमोनिया होता है, वैसे तो आप सबको पता है कि NH3 मतलब अमोनिया होता है, लेकिन अपन इसको IUPAC लिखते वक्त अमीन बोलते हैं। CO, CO मतलब क्या रहेगा? कार्बोनिल। ये सारे के सारे आपके अनायनिक लिगेंड है, इसलिए अपन ने इन सब के आखिरी में O लगाया। लेकिन यहाँ पे ये आपके न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे पानी है, पानी को लोग एक तो पानी बोलेंगे, कुछ लोग इसको वाटर बोलेंगे, कुछ लोग इसको हाइड्रो बोलेंगे, आप इसको हमेशा एक्वा ही बोलने का, क्या बोलेंगे? एक्वा। अगर एक्वा नहीं बोला तो गड़बड़ी हो जाएगा भाई। और EN का नाम क्या रहता है? इथिलीन डायमीन। EN का EN का नाम मतलब क्या होता है भाई आपका? इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन होता है, ठीक है भाई। समझे या नहीं समझे? तो ये हुए आपके सारे के सारे लिगेंड्स का नामकरण, नामकरण वाला प्रोसीजर होता है ना, वही है, बच्चों का नामकरण होता है। आज मैंने नामकरण करवाया, लेकिन किसका करवाया? अरे भाई लिगेंड्स का करवाया, ठीक है। तो बस वही वाली चीज़ है, सारे के सारे अनायनिक लिगेंड अगर आ जाए तो हर किसी के लास्ट में ओ लगाने का। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो अमीन, अमोनिया मतलब अमीन बोलने का, CO मतलब कार्बोनिल, वाटर अगर आ जाए तो एक्वा, और EN मतलब आ जाए तो इथिलीन डायमीन। देखो वाटर मतलब एक्वा कैसे याद रखने का?
अगर आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया, ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया होगा, मराठी नहीं बोलती हूँ, अगर आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा, ट्रैवल किया होगा ट्रेन में, तो देखो वो पानी की बॉटल लेके आते हैं, पानी गया पानी, वो आते ना अलग अलग लोग आते हैं ट्रे में लेके, तो अपन लोग उसमें से पानी पीते, बिस्लेरी के पानी के बॉटल के ऊपर में देखो क्या लिखा रहता है, एक्वा वगैरह कुछ लिखा रहता है, पता है कि भाई एक्वा लिखा रहता है, कभी पढ़ा भी क्या उसको, कि डायरेक्ट पानी पी लिया, एक्वा लिखा होता है, एक्वा मतलब पानी, मतलब एक्वा होता है, याद रखने का, ठीक है। इस तरीके से चलो अब आ जाएंगे यहाँ पे। अब आप मुझे बता दो, ये एल्यूमिनियम है तो इसका नाम भी क्या रहेगा, नॉर्मल वाला एल्यूमिनियम, नॉर्मल नेम इसका एल्यूमिनियम रहेगा, लेकिन अगर मुझे इसका मेटल प्लस एटी वाला नेम चाहिए, मेटल के स्पेलिंग में, मेटल के नेम के स्पेलिंग में एटी भी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि मुझे वो वाला नाम भी तो पता होना चाहिए। हो सकता है अगर पेपर में मुझे वैसा कॉम्प्लेक्स आ गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या वो कटायन से अटैच है, तो मुझे मेटल प्लस एटी वाला नाम चाहिए ना, तो इसका नाम क्या बनेगा भाई, एलुमिनेट। इसका नाम क्या बनेगा भाई, एलुमिनेट। नीचे आ जाओ, इसका नाम क्या है, कोबाल्ट। तो अब कोबाल्ट से क्या बनेगा, कोबाल्टेट। क्या बनेगा, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट क्यों बना भाई, कोबाल्टेट क्यों बना, क्योंकि मुझे एटी लगाने का है, सबके लास्ट में एटी लगाने का। ये क्या है, ये तो गोल्ड है, याद कैसे रखने का, ए यू, ए यू, ये तो आपका गोल्ड को याद रखने का तरीका है, ए यू, ए यू, ये गोल्ड है। लेकिन इसका नाम एक्चुअली आप लोग लिखते हो, वैसे तो इसका नाम गोल्ड रहता है, बट आप इसको लिखते हो ऑरेट, ऑरेट लिखते हो भाई इसको, ठीक है, ऑरेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, ये है आपका मैंगनीज, इसका नाम क्या है, मैंगनीज। तो इसी मैंगनीज को आप लिखेंगे मैंगनेट, मैंगनेट। तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, आपको क्या लगाने का है, यहाँ पे आपको एटी लगाने का है, मैंगनीज को क्या लिखेंगे, मैंगनेट, यहाँ पे भी एटी आया। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे है प्लैटिनम, तो यहाँ पे आपका नाम आएगा प्लैटिनम। अब आप लोग ही मुझे बता दो भाई, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लैटिनेट बन जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ये है क्रोमियम, इसका नाम क्या है, क्रोमियम। तो क्रोमियम से क्या बनेगा, क्रोमेट बनेगा, एटी लगाने का। ये क्या है, कॉपर, तो कॉपर से क्या बनेगा, कॉपर से बनेगा भाई आपका क्यूपरेट। ये है आयरन, ठीक है भाई, आयरन से क्या बनता है, फर्रेट। निकेल, ये है एनआई, मतलब निकेल होता है, तो निकेल से क्या बनता है, निकेलेट। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम हमको तो ये मेटल के नेम ही याद नहीं आ रहे, अरे भाई मेटल के नेम याद नहीं आ रहे इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 8 के वीडियोस देखे ही नहीं। चैप्टर नंबर 8 का नाम ही था ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, में देख लिया हो तो याद हो जाता। ये है भाई आपका जिंक, तो इसका नाम भी क्या रहेगा, जिंक सेट, जिंक एट, ठीक है भाई, समझ गए ना। अब आप लोग मुझे बताओ ये एटी वाले नेम मेटल के कब लिखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाए या कॉम्प्लेक्स किसी कटायन से अटैच हो जाए, तो मेटल के नेम में एटी लगाते तभी आपको ये वाला नाम यूज़ करना है, और बाकी सारे केसेस में आप यही नाम यूज़ करेंगे, समझे या नहीं समझे, बाकी सारे केसेस में आप यही नाम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाए या कॉम्प्लेक्स किसी कटायन से अटैच हो जाए, तभी जाके मेटल के स्पेलिंग में एटी वाले नेम लगाने के, ठीक है भाई, समझे या नहीं समझे, लो इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग सिस्टमैटिकली सारे के सारे आईयूपीएसी देखेंगे, बुक में तो ये भी नहीं दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। कुछ लोगों को क्या लगता है, सुनो, कुछ लोगों को लगता है ये जो चार्ज है यही तो ऑक्सीडेशन नंबर है, उनकी थिंकिंग, प्लीज़ भाई सुनो, आंखें खोलो, कान खोलो, दिमाग खोलो और सुनो मेरी बात को, ये चार्ज जो होता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कभी भी ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, याद रख लो यार, याद रख लो, ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि बुक में दिया ही नहीं है, तो अब मैं आपको वो भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, सुनो भाई मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ज़रा देखो, इधर हम लोग साइड में इस चीज़ को ले लेते हैं, अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है भाई, एन आई सी एन फोर टाइम्स टू माइनस का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, सुनो। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको X ले लिया, क्योंकि मुझे निकल का मतलब ही मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का ही होता है ना,
बीच बीच में याद रखने का भाई, बीच में हमेशा कौन सा साइन प्लस, कैसे याद रखोगे? वो अनुष्का शर्मा का एक सॉन्ग है ना, अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान का, बीच बीच में, बीच बीच में हमेशा प्लस साइन लगाने का, हमेशा बीच बीच में प्लस साइन, बीच में हमेशा प्लस साइन, ठीक है। साइनाइड के नीचे में कौन सा नंबर है? 4, इसलिए मैंने लिखा 4, ठीक है भाई। साइनाइड के ऊपर में चार्ज कितना होता है? बड़ा कन्फ्यूजन था, साइनाइड के ऊपर में चार्ज कितना था? सबसे पहले चीज सुनो, इसको मैंने एक्स लिखा, बीच बीच में हमेशा प्लस साइन, साइनाइड के नीचे में है 4 नंबर, इसलिए 4 लिखा, ठीक है भाई। अब देखो साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना है, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना है भाई, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना है, साइनाइड के ऊपर में चार्ज 1 माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा -1। कैसे याद रखने का? देखो साइनाइड के ऊपर में आपका चार्ज कितना है, 1 माइनस, इसलिए 1 माइनस इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज है आपका -2, ठीक है भाई। तो x 4 1 4, लेकिन माइनस साइन है तो -4 इक्वल्स टू -2। जब ये -4 इधर से जाएगा इधर, तो वो क्या बन जाएगा? +4। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? +4 -2, 4 माइनस 2 कितना होता है? +2। तो आपके मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतनी हमाली क्योंकि ये भी तो -2 है, इसका उल्टा कर दिया होता था। अरे भाई कुछ केसेस में ठीक रहेगा, बट सारे केसेस में थोड़ी ही चलेगा। कुछ केसेस में लग जाता है अपना लक, लक साथ दे देता है, सारे केसेस में थोड़ी देता है। बुक में जो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं उसमें थोड़ी देता है कि नहीं? पेपर में जो आते हैं उसमें थोड़ी रहता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट साइड में निकाल लो। अब लिखेंगे नेम को। अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो देखो भाई कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नेम मैं लिखूंगी यहाँ पे टेट्रासाइनो। मैं वो वाले डिटेल्स पार्ट में नहीं जा रही क्योंकि ये समझने लायक है। देखो भाई सुनो, साइनाइड के नीचे में सबसे पहले लिगेंड का नेम, फिर मेटल का नेम, ठीक है भाई। यहाँ पे लिगेंड का नेम मुझे लिखना है, ठीक है। लेकिन लिगेंड के नीचे में कौन कितना नंबर है? 4। आपको यहाँ पे ये बात याद रखना है कि अगर 1 नंबर है तो आप मोनो वगैरह कुछ भी नहीं लगाते, 2 है तो आप डाई लगाते हो, 3 है तो आप ट्राई लगाते हो, 4 है तो आप टेट्रा लगाते हो, 5 है तो आप पेंटा लगाते हो, 6 है तो आप हेक्सा लगाते हो, और 7 है तो आप हेप्टा लगाते हो, ठीक है भाई। इसके ऊपर आता नहीं है। तो अब साइनाइड सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखना है, लेकिन इसके नीचे में 4 नंबर है और 4 के लिए कौन सा होता है? टेट्रा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी टेट्रा, ठीक है। स्पेस बीच में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि जीमेल आईडी जैसा रहना चाहिए। अब ये साइनाइड है तो मैं क्या साइनाइड लिखूंगी क्या? नहीं रे बाबा, साइनाइड का नाम क्या है? साइनो, साइनो। और बाद में क्या आता है? मेटल का नेम, मेटल का नेम मुझे लिखना है भाई, मेटल का नेम मुझे लिखना है। दिमाग में कन्फ्यूजन चलते रहते हैं कि मैम ठीक है आपने बताया था कि सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखना है, तो हमने लिगेंड का नेम लिख दिया। हमको ये भी समझ गया कि यहाँ पे 4 नीचे में, इसलिए टेट्रा लगाया क्योंकि 4 मतलब टेट्रा होता है, CN मतलब साइनो होता है क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपन लोगों ने देख लिया। अब मुझे मेटल का नेम लिखना है तो मैं निकल लेट लिखूँ या निकल लिखूँ, बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था। लेकिन देखो भाई देखो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। और कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर में आता है नेगेटिव चार्ज तो मेटल के स्पेलिंग में क्या लगाते हैं? एटी। मतलब यहाँ पे क्या नाम आएगा जो अभी अपन लोगों ने देखा था? निकेलेट। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है भाई। उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर है 2। कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे मैं ऐसा 2 लिखूँ या ऐसा 2 लिखूँ, कैसा 2 लिखूँ, कैसा लिखूँ? याद रखना है रोमन लेटर 2। दिमाग में क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आयन आएगा या नहीं आएगा, खुद ही सोचो भाई। इसके ऊपर में चार्ज है, इसके ऊपर में चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे आयन आएगा। समझे या नहीं समझे? चलो भाई नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स में लिखती हूँ CO C2O4 3 times 3 minus, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। बीच बीच में कौन सा साइन? प्लस साइन, प्लस साइन भाई, ठीक है। इस C2O4 के नीचे में कितना नंबर है? 3। इस C2O4 के नीचे में कितना नंबर है? 3 नंबर है, 3, ठीक है भाई, 3 नंबर है। चलो आगे बढ़ेंगे। इस C2O4 के नीचे में 3 नंबर था, C2O4 के ऊपर में चार्ज कितना है? ऑक्सैलेटो के ऊपर में चार्ज कितना है? ज़रा देखो भाई कितना चार्ज है ऑक्सैलेटो के ऊपर में, कितना चार्ज है? 2 minus, इसीलिए मैंने यहाँ पे -2 लिखा। याद रखने का इस चीज़ को, इसके ऊपर में -2 चार्ज है इसलिए -2, ठीक है भाई। इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है? -3। समझे या नहीं समझे? देखो इसका मुझे निकालना है x, इसके नीचे में 3 है इसलिए प्लस, बीच बीच में हमेशा प्लस साइन,
यहाँ पे 3, C2O4 के ऊपर में 2 माइनस चार्ज है, इसलिए 2 माइनस ओवरऑल है माइनस 3, तो x माइनस 3 टू जर कितना होता है 6, बट माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस है, इक्वल्स टू माइनस 3. जब ये माइनस 6 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो वो प्लस 6 बन जाएगा, तो प्लस 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना होता है प्लस 3 होता है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 आया. ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे. सबसे पहली बात, यहाँ पे भी लिगेंड का पहले नहीं आएगा, तो अब मुझे बताओ ये C2O4 है, ठीक है, इसके नीचे में कितना नंबर है, 3. 3 नंबर के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई. ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे. C2O4 का नाम क्या है, ऑक्सैलेटो, ओ लगाना है लास्ट में, ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो लिख दिया भाई, ऑक्सैलेटो. उसके बाद में लिगेंड नेम के बाद में किसका नेम आता है, मेटल का नेम. मेटल का नेम क्या है, कोबाल्ट. दिमाग में बड़े कंफ्यूजन चल रहे थे, कोबाल्ट लिखूं या कोबाल्टेट लिखूं, क्या लिखूं भाई मैं, क्या लिखूं. सुनो भाई, इसके ऊपर में चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज. अगर चार्ज नेगेटिव आ जाए कॉम्प्लेक्स का नेम में, मेटल के नेम में एटी लगता है, यहाँ पे क्या बनेगा, कोबाल्टेट. कोबाल्टेट आएगा. एटी क्यों आया भाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है. ठीक है भाई, उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3. फिर भी कन्फ्यूजन चल रहा था, 3 कौन सा वाला लिखूँ, याद रखना है रोमन लेटर्स. अब लास्ट में आयन आएगा या नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है या नहीं है, है, तो आयन भी आएगा. समझे या नहीं समझे, ये तो दिया ही है कैलकुलेशन बुक में, कर लो भाई इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट. चलिए भाई, नेक्स्ट दो कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे. अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है आपका ये वाला, Fe CN6 times 4 minus. ठीक है, मुझे यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो सबसे पहले मैंने इसको X लिखा क्योंकि मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. बीच से बीच में प्लस साइन. ठीक है भाई, उसके बाद में आगे बढ़ो. यहाँ पे लिगेंड के नीचे में कितना नंबर है, 6, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा. ठीक है भाई, अब साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना है, कितना है भाई साइनाइड के ऊपर चार्ज, -1. कितना चार्ज है, -1, इसलिए यहाँ पे आया -1. ओवरऑल चार्ज कितना है, -4. समझे या नहीं समझे, ये हुआ एक्स. साइनाइड के नीचे में 6 है इसलिए 6, साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 है तो -1 ओवरऑल चार्ज लिखा. चलो भाई, एक्स 6 × 1 = 6 होता है, बट माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस है, इक्वल्स टू -4. जब ये -6 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 6, तो x इक्वल्स टू प्लस 6 माइनस 4. 6 माइनस 4 कितना होता है, प्लस 2. ठीक है भाई, अब देखो, आधे लोग सोच रहे थे ये क्यों निकाल रहे हम लोग, ये क्यों निकाल रहे, क्यों हमारा टाइम पास करवा रहे हो मैम. कुछ लोगों के दिमाग में बड़े कन्फ्यूजन चल रहे होंगे, ये चार्ज जो आ रहा था वही तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहा था, लेकिन देखो वहाँ पे लक साथ दिया भाई, उन कॉम्प्लेक्सेस को सॉल्व करते वक्त लक साथ दिया. लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो चार्ज 4 माइनस है और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, प्लस 2, है कि नहीं. तो क्या अपन लोग ऐसा प्रूफ कर सकते हैं क्या, मतलब दिमाग में फिट करो, ये चार्ज कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहता रे बाबा, नहीं रहता है, आपको अलग से निकालना पड़ता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे मुझे लिखने का है ही नहीं, सबसे पहले लिगेंड का नेम. लिगेंड के नीचे में क्या आ रहा है, 6. 6 मतलब क्या होता है, हेक्सा. 6 मतलब होता है भाई हेक्सा. ठीक है, साइनाइड है तो साइनाइड का नेम क्या होता है, साइनो. साइनो उसके बाद में आयरन है. दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसको आयरन लिखूँ या फॉरेट लिखूँ, आयरन लिखूँ या फॉरेट लिखूँ. देखो भाई, कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कैसा चार्ज आया, कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया भाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर में, नेगेटिव. अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आता है तो मेटल के स्पेलिंग में एटी लगता है, तो फॉरेट आएगा. ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, कुछ लोग सोचेंगे 4 आएगा, कितना आया भाई, 2 आया, रोमन लेटर्स. आयन आएगा या नहीं आएगा, चार्ज है ना, आयन आएगा, आएगा भाई आएगा, मार्क्स दे के जाएगा जाएगा. चलो आगे बढ़ते, इस पे आ जाओ सारे के सारे. यहाँ पे देखो भाई क्या करने का, सुनो सुनो सुनो, सारे के सारे सुनेंगे भाई. यहाँ पे सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि आप इसको तोड़ेंगे. कैसे तोड़ने का ज़रा देखो, ये है आपका CO, ये है आपका NO2, ये है आपका 6 times. सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ आपकी ये है, यहाँ पे टोटल 3 सोडियम है, टोटल 3 सोडियम है. सोडियम क्या होता है, कटायन होता है या अनायन होता है, ये भी मत सोचो. कॉम्प्लेक्स के पहले हमेशा क्या आता है, कटायन आता है. कॉम्प्लेक्स के पहले हमेशा क्या आता है, कटायन आता है. मतलब ये जो है ये क्या है, कटायन है. और वैसे भी सबको पता है कि Na के ऊपर में प्लस चार्ज होता है, पता है ना, Na पॉजिटिव होता है.
तो ये आपका कटायन है, ठीक है भाई। तो अगर ये कटायन है, ये कॉम्प्लेक्स के पहले कटायन आ रहा है, कटायन, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के सामने में कटायन आता है, हमेशा कटायन ही आता है कॉम्प्लेक्स के पहले, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर उसका उल्टा चार्ज आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। फिर दिमाग में आता है कितना नेगेटिव आएगा, अरे भाई सोडियम के नीचे में कितना नंबर है, 3। तो यहाँ पे 3 प्लस चार्ज अगर है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस या माइनस 3। बस दिमाग में इतनी चीज़ फिट कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये कटायन है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बट यहाँ पे 3 सोडियम है इसलिए 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है भाई। चलो अब निकालते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिया CO, NO2 6 टाइम्स, ओवरऑल चार्ज है -3, ठीक है भाई। चलो आगे लिखेंगे, यहाँ पे इसको मैंने लिखा X, बीच में प्लस साइन, इसके नीचे में कितना नंबर है, 6 है, नाइट्रो के नीचे में 6 है, नाइट्रो के ऊपर में चार्ज कितना आएगा, देखो भाई नाइट्रो कितना चार्ज आया भाई नाइट्रो के ऊपर में, -1, कितना आया, -1, ठीक है, इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -3, तो x 6 1 6 और नेगेटिव साइन है तो माइनस, इक्वल्स टू -3। जब ये -6 उधर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +6, तो +6 -3, 6 -3 कितना होता है, +3 होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया भाई, +3 आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सारे के सारे आगे। अब मुझे लिखने का है नेम, ज़रा याद करो भाई सारे के सारे, याद करो, दिमाग खोलो। मैंने यहाँ पर ये जाना, कॉम्प्लेक्स के पहले नेम आ रहा है कटायन का, कॉम्प्लेक्स के पहले कटायन आ रहा है, मतलब IUPAC नेम लिखते वक्त पहले कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे या कटायन का, बताया था ना कटायन का नेम, क्यों, क्योंकि कटायन कॉम्प्लेक्स के पहले आया, क्योंकि कटायन कॉम्प्लेक्स के पहले आया, इसलिए पहले कटायन का नेम लिखने का। ये क्या है, ये है सोडियम। दिमाग में बड़े कन्फ्यूजन चलते रहते हैं, ये सोडियम को ट्राई सोडियम लिखूँ या सिर्फ सोडियम लिखूँ, याद रखना है कभी भी अगर आप कटायन का नाम लिखना चाहते हो या कभी भी आप अनायन का नाम लिखना चाहते हो, ये सारे के सारे आपके बाहर वाले कटायन या अनायन हैं, ठीक है। बाहर वाले कटायन या अनायन का कभी भी अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो कभी भी इनके साथ में डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, ये वर्ड कभी नहीं आएंगे, ठीक है। कभी भी अगर बाहर के कटायन की बात करते हैं या बाहर के अनायन की बात करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं, चाहे कटायन चाहे अनायन, कभी भी उनके नाम के सामने डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लगाते। तो यहाँ पे दिमाग में आएगा ट्राई सोडियम लगाओ या सोडियम लगाओ, फिट कर लो भाई। ये काउंटर कटायन है, कभी भी इसके नाम के सामने डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा नहीं लगाने का रे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सोडियम आएगा, क्योंकि कटायन कॉम्प्लेक्स के पहले आ रहा है इसलिए पहले कटायन का नाम आया। ट्राई सोडियम भूल के भी मत करना, फाड़ देगा एग्जामिनर पेज आपका, याद रखने का, ठीक है। उसके बाद में लिगेंड का नेम, यहाँ पे क्या है, 6, 6 मतलब क्या होता है, हेक्सा। फिर है NO2, भाई NO2 का नाम क्या है, NO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रो, इसलिए नाइट्रो, स्पेस बिल्कुल मत देना, नाइट्रो, ठीक है भाई, नाइट्रो लिखा। नाइट्रो के बाद में ये है आपका कोबाल्ट, ठीक है। दिमाग में क्वेश्चन चल रहे कोबाल्ट डेट लिखूँ या कोबाल्ट लिखूँ, देखो भाई देखो, बताया था मेटल के नेम के साथ में 80 ही तभी आता है अगर मेटल के कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है या कॉम्प्लेक्स किसी कटायन से अटैच है, क्योंकि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कटायन से अटैच होता है तब भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे मेटल का नेम क्या रहेगा, कोबाल्ट 8, मेटल के नेम में आपका 80 ही लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कटायन से अटैच है, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 रोमन लेटर्स। दिमाग में क्वेश्चन आएगा आयन लगाओ या नहीं लगाओ, इसको मत देखो भाई, इसको मत देखो, ये तो मैंने बनाया है, आपने थोड़ी बनाया, बुक में थोड़ी दिया था, ये तो मैंने बनाया। इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो आयन आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आयन नहीं आएगा, ये तो मैंने बनाया है, ये थोड़ी दिया था। लो इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, अब मुझे ये कॉम्प्लेक्सेस का नेम लिखने का है। आज ये पूरा ही पार्ट कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले मुझे ये कॉम्प्लेक्स का लिखने का है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, ये है आपका Al, ये है आपका C2O4 थ्री टाइम्स, ठीक है भाई। चलो देखो यहाँ पे सारे के सारे, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये कटायन है। सबको पता है कि पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, K प्लस होता है ना, KCl सुना होगा, तो K प्लस होता है मतलब आपके पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है भाई। हाँ भाई होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों ने ये जाना, अगर ये कटायन है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो अनायन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अनायन मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आया, याद रखने का। अगर कॉम्प्लेक्स कटायन से अटैच है, कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर उसका उल्टा चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज आता है। फिर मैंने यहाँ पे ये जाना कि पोटेशियम टोटल थ्री है, तो चार्ज नेगेटिव भी कितने आएंगे, थ्री नेगेटिव। चलो भाई यहाँ पे आ जाएंगे, Al C2O4 थ्री माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं करेक्ट है ना, ठीक है भाई, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहले मैंने इसको X लिखा, ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना है बीच बीच में प्लस साइन। आगे बढ़ेंगे, आगे इस ऑक्सैलेटो के नीचे में कितना नंबर है, थ्री, इसलिए थ्री। C2O4 के ऊपर चार्ज कितना आता है चेक करो भाई, C2O4 के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस टू आएगा, इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है, माइनस थ्री, ठीक है भाई। तो X, थ्री टू जार कितना होता है, सिक्स, और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस थ्री। माइनस सिक्स जब उधर जाएगा तो प्लस सिक्स बन जाएगा, एरो के डबल इक्वल टू के जब माइनस सिक्स इधर जाएगा तो प्लस सिक्स बन जाएगा, माइनस थ्री, सिक्स माइनस थ्री कितना होता है, प्लस थ्री। तो आपके मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आया भाई प्लस थ्री, ठीक है। चलो अब इसका नेम लिखने का है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के पहले कटायन आ रहा है, तो कटायन का नेम आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे नेम इसका पोटेशियम आएगा, क्योंकि पोटेशियम होता है ये। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम ट्राई पोटेशियम लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि थ्री आ रहा है। तो बताया था काउंटर कटायन या काउंटर अटायन, अनायन मतलब ऐसे आयन्स जो कॉम्प्लेक्स के पहले आते हैं या कॉम्प्लेक्स के बाद में आते हैं, आइदर कटायन या अनायन, उनके साथ में कभी भी डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा नहीं लिखने का। तो पोटेशियम, फिर आएगा लिगेंड का नेम, यहाँ पे क्या है भाई, थ्री, थ्री मतलब क्या होता है, ट्राई, यह है C2O4, C2O4 मतलब क्या होता है, ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो, ठीक है भाई। चलो आगे, ये है एलुमिनियम। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम एलुमिनियम लिखे या एलुमिनेट लिखे, बड़े कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे, एलुमिनियम लिखूँ या एलुमिनेट लिखूँ, क्या लिखूँ क्या लिखूँ। सुनो, इसके ऊपर में मैंने बताया था मेटल के स्पेलिंग में एटी तभी आता है अगर मेटल के कॉम्प्लेक्स के ऊपर में चार्ज नेगेटिव है, या तो मेटल का कॉम्प्लेक्स किसी कटायन से अटैच है तभी भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या लिखेंगे, एलुमिनेट। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है या आपका कॉम्प्लेक्स किसी कटायन से अटैच है तो हमेशा एटी लगाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, थ्री। आयन आएगा या नहीं आएगा, बड़े कन्फ्यूजन चल रहे थे, आयन लिखूँ या नहीं लिखूँ। सुनो भाई, ये तो मैंने बनाया है, ये थोड़ी क्वेश्चन में दिया था, ये तो मैंने बनाया है। क्वेश्चन में क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है। आयन आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर कोई चार्ज है तो आयन आएगा, अगर कोई चार्ज नहीं है तो आयन नहीं आएगा, ये तो मैंने बनाया है। नीचे आ जाओ सारे के सारे। अब इसको तोड़ने का है भाई, बस तोड़ने का काम ख़त्म। यहाँ पे आ जाएंगे, ये है आपका AlF6, ठीक है भाई। चलो आप लोग मुझे बताओ, ये है, ये कॉम्प्लेक्स कटायन से अटैच है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कटायन से अटैच होता है उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव आता है। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, ये थ्री सोडियम है तो चार्ज भी कितना रहेगा, थ्री नेगेटिव। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे AlF6 थ्री माइनस। चलो भाई देखो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि सबसे पहले मैंने इसको एक्स ले लिया, क्योंकि मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। बीच बीच में हमेशा प्लस साइन, ठीक है। इस फ्लोरीन के नीचे में सिक्स है इसलिए मैंने सिक्स लिखा। फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आता है, ज़रा चेक करो कितना आता है भाई, फ्लोरीन के ऊपर में चार्ज कितना आता है, फ्लोरीन के ऊपर में चार्ज आता है वन माइनस, या तो फिर माइनस वन, ठीक है, इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है, माइनस थ्री। तो एक्स, सिक्स वन ज़ार सिक्स, माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। जब ये माइनस सिक्स इधर जाएगा तो प्लस सिक्स बन जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस सिक्स माइनस थ्री। सिक्स माइनस थ्री कितना होता है, थ्री होता है। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, प्लस थ्री आया। चलो यहाँ पे आ जाएंगे,
अगर मुझे नेम लिखने का है, कॉम्प्लेक्स के पहले कटायन आ रहा है तो पहले कटायन का नेम आएगा, तो यहाँ पे सोडियम आएगा। फिर भी दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है, ट्राई सोडियम लिखूँ या नहीं। अभी बताया था ना भाई नहीं लिखने का। आगे यहाँ पे क्या है, लिगेंड। लिगेंड के नीचे में क्या है, सिक्स। सिक्स मतलब क्या होता है, हेक्सा। हेक्सा आएगा। ये क्या है, एफ। फ्लोराइड मत लिखने का, फ्लोरीन मत लिखना रे बाबा, क्या नाम है, फ्लोरो। फ्लोरो स्पेस भूल के भी मत देना, आधा मार्क कट जाएगा। ईमेल आईडी जैसा होता है ये। उसके बाद में ये, फिर भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे, एलुमिनेट लिखूँ या एलुमिनियम लिखूँ, क्या लिखूँ। सुनो भाई, मैंने बताया था अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है या कॉम्प्लेक्स कटायन से अटैच होता है तो हमेशा मेटल के स्पेलिंग में क्या लगाते हैं, एटी, तो एलुमिनेट। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, थ्री। आयन आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा, आयन आएगा या नहीं आएगा, क्या यहाँ पे कोई चार्ज है, नहीं आयन नहीं आएगा। अरे भाई ये तो मैंने बनाया, ठीक है लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो भाई अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस को, अपने नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, क्योंकि अपन को तो सारे कॉम्प्लेक्सेस करने के ना, तो चलो सारे कॉम्प्लेक्सेस करते हैं भाई। यहाँ पे आपका नाम है CuNH3 4 times + 2। सबसे पहले अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी CuNH3 4 times + 2। मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का है। कुछ लोग सोचेंगे कि क्यों निकाल रहे, लेकिन निकालना ज़रूरी है, बताया था ना। चलो देखते हैं भाई, यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे। मुझे कॉपर का निकालना है क्योंकि कॉपर मेरा मेटल है, तो मैंने इसको एक्स लिखा। बीच बीच में प्लस साइन आएगा भाई, प्लस साइन। आगे बढ़ेंगे, आगे मैंने यहाँ पे जो जाना वो ये है, इस NH3 के नीचे में कितना नंबर है, 4, इसलिए मैंने लिखा 4। अब अमोनिया के ऊपर मतलब NH3 के ऊपर में कितना चार्ज आता है, बड़े कन्फ्यूजन चल रहे थे। देखो भाई कहाँ पे है अमोनिया, ये है। क्या अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं रे बाबा, अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा। इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है, +2। ठीक है भाई, चलो एक्स, 4 0 0 हो जाएगा, तो +0 = +2। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, +2। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +2। कुछ लोगों को तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते नहीं आती ना, टेंशन नहीं लेने का, अब आ गया ना, काम खत्म। यहाँ पे आ जाओ, इसका नाम लिखना है भाई। सबसे पहले किसका नाम आता है, लिगेंड का नेम। ठीक है भाई, कोई आयन तो है नहीं सामने। चलो ये है 4, 4 नंबर है, 4। 4 मतलब क्या होता है, टेट्रा। 4 मतलब होता है भाई टेट्रा, तो लिख दिया मैंने टेट्रा। आगे बढ़ेंगे, ये है अमोनिया, तो क्या मैं अमोनिया लिखूंगी यहाँ पे, नहीं रे बाबा नहीं, यहाँ पे अमोनिया होगा, बट अमोनिया के लिए नेम क्या है, अमीन। अमीन बोलने का भाई, अमीन। अगर अमीन नहीं बोला तो गड़बड़ी हो जाएगा, अमीन बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम क्या आएगा, अमीन आएगा। बस दिमाग में इतनी चीज़ फिट कर लो कि यहाँ पे आप लोग अमोनिया नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे अमोनिया, क्योंकि ये इसका नाम अमीन बोल रखा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा मेटल का नेम, ये है कॉबाल्ट। कॉपर है इसका नाम, कॉपर। सीयू मतलब कॉपर होता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कॉपर लिखूँ या क्यूपरेट लिखूँ, खुद ही सोचो। क्या कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नहीं रे बाबा। क्या कॉम्प्लेक्स कटायन से अटैच है, नहीं रे बाबा। तो मेटल के स्पेलिंग में एटी नहीं लगाएंगे। मेटल के स्पेलिंग में एटी तभी लगाते अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या कॉम्प्लेक्स कटायन से अटैच। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटल कैसे लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग कॉपर ही लिखेंगे। बीच में स्पेस मत देना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। आयन आएगा या नहीं आएगा, सोचो भाई सोचो। क्या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, हाँ चार्ज है, आयन आएगा, मार्क्स देके जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे। अब मुझे इसका निकालना है, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, Fe H2 5 times NCS। ठीक है भाई, और ओवरऑल चार्ज है +2। ठीक है, चलो बढ़ते आगे की तरफ। इसको मैंने लिखा X क्योंकि ये मेटल है जिसका मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। बीच बीच में प्लस साइन डाल दिया भाई, प्लस साइन। आगे बढ़ेंगे, पानी के नीचे में कितना नंबर है, 5 है। पानी के नीचे में कितना नंबर है, 5 है भाई, 5। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 5 × पानी के ऊपर चार्ज कितना आता है, ज़रा चेक करो, पानी कितना चार्ज आता है भाई, 0 चार्ज है, इसलिए यहाँ पे आएगा 0।
ठीक है, प्लस बीच बीच में प्लस साइन, ये है एनसीएस, एनसीएस के नीचे में वन है, इसलिए वन इंटू एनसीएस के ऊपर कितना चार्ज है ज़रा चेक करो। एनसीएस कितना चार्ज है, एनसीएस के ऊपर में चार्ज है वन माइनस, माइनस वन चार्ज है भाई, माइनस वन। ओवरऑल चार्ज कितना है, प्लस टू। ठीक है, चलो एक्स फाइव जीरो ज़ार कितना होगा, ज़ीरो। वन इंटू वन वन, बट यहाँ पे माइनस वन आएगा, इक्वल्स टू प्लस टू। ठीक है भाई, प्लस टू आएगा इक्वल्स टू, और सॉल्व करेंगे इसको आगे की तरफ। ठीक है भाई, ये जब माइनस वन लेफ्ट इधर से इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस वन। तो एक्स इक्वल्स टू प्लस वन प्लस टू, प्लस वन प्लस टू कितना होता है, थ्री होता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस थ्री। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो चार्ज प्लस टू है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी प्लस टू होगा, बट अब आपको समझाना रे बाबा, भले ही चार्ज नंबर प्लस टू हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री आया। तो कुछ केसेस में लक साथ दे देता है कि ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज सेम आते, बट ऐसा हर बार थोड़ी होगा, हर बार थोड़ी लक साथ देता है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं रहते, क्योंकि एग्जामिनर वैसे जज करता है बच्चों को। अगर बच्चों ने सही आंसर लिखा तो वो समझ जाता है कि हाँ भाई स्टूडेंट का कुछ ना कुछ लेवल है, और अगर आपने ये चार्ज देख लिया ना, वो समझ जाता है बच्चे का लेवल कुछ भी नहीं है, काटो मार्क्स फटाफट, समझे ना। चलो भाई बढ़ेंगे, इसका नाम लिखेंगे। अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये भी लिगेंड है ये भी लिगेंड है, मैं किसका नाम पहले लिखूँ, किसका लिखूँ भाई किसका। सुनो, ये है पानी, पानी का मतलब होता है एक्वा, पानी का मतलब भाई एक्वा होता है, ठीक है। और एन सी एस का मतलब क्या होता है, एन सी एस का मतलब आइसो थायो साइनेटो, एन सी एस का मतलब होता है भाई आइसो थायो साइनेटो। मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना कि पानी का मतलब एक्वा होता है और एन सी एस का मतलब आइसो थायो साइनेटो। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं गया क्योंकि अभी तक सारे कॉम्प्लेक्सेस में एक ही लिगेंड थे, इससे टेंशन नहीं आ रही थी, अब आ गए दो दो लिगेंड, तो किसका नाम पहले लिखे, बड़ा कन्फ्यूजन था। सुनो भाई सुनो, ध्यान देना, यहाँ पे ये एक्वा है, एक्वा का स्पेलिंग ए से चालू हो रहा है, ए से, और आइसोथायोसाइनेटो का स्पेलिंग आई से चालू हो रहा है। ठीक है भाई, तो आप लोग मुझे बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो ए पहले आता है या आई पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखा है ना भाई क्या पहले आता है, ए पहले आता है। तो हमेशा अगर दो लिगेंड आ जाए, इफ़ टू लिगेंड, अगर आपके दो लिगेंड आ जाते हैं, इफ़ टू लिगेंड कम्स, देन नेम द लिगेंड, द नेम द लिगेंड एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको इनका नेमिंग देने का है। तो समझ में आया, यहाँ पे मुझे बस इतना जानने को मिला कि अगर दो लिगेंड आ जाते हैं तो आप लिगेंड का नेम देंगे, वो भी कैसे मैनर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मैनर में। तो ए पहले आता है और आई बाद में आता है, फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा आएगा, मैं समझा के देती हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो तो इस पानी के नीचे में है पांच नंबर, फाइव मतलब क्या होता है, पेंटा, मैंने लिखा पेंटा, समझ गए मैं कौन सा आपके दिमाग में क्वेश्चन है, रुको रुको, ये है पानी, पांच था इसलिए पेंटा लिखा, पानी, पानी के लिए क्या नंबर होता है, एक्वा, वाटर मत लिखना रे बाबा, एक्वा एक्वा, ठीक है। फिर ये है आपका आइसोथायोसाइनेटो, पता है ना एन सी एस का मतलब क्या होता है, आइसोथायोसाइनेटो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो लिखेंगे कुछ भी नहीं, आइसो थायो साइनेटो, आइसो थायो साइनेटो, चलो भाई ठीक है ठीक है। उसके बाद में ये आयरन है, क्वेश्चन आता है आयरन लिखूं या फरेट लिखो, क्या लिखूं मैं, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, आयरन लिखूं या फरेट लिखूं, सोचो भाई। मेटल के नेम में एटी तभी लगाते हैं जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक तो नेगेटिव चार्ज है या तो कॉम्प्लेक्स कटायन से अटैच है, क्या यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग एटी नहीं लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हम लोग एटी नहीं लगाएंगे। तो अब क्या लिखेंगे इसका नाम, आयरन, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कुछ लोग ही प्लस टू का टू लिख देंगे, याद रखना है थ्री है, ये तो कभी कभी होता है, सेम हमेशा थोड़ी रहेगा। आयन आएगा या नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, है, आयन आएगा, मार्क्स देके जाएंगा, अरे बाबा जाएगा। फिर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, मैम आपने हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोला, समझ गया मेरे को, लेकिन यहाँ पे तो एक्वा के पहले, यहाँ पे तो एक्वा के पहले पी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये पी तो बाद में आता है ना, फिर आपने पेंटा एक्वा पहले कैसे लिखा। लेकिन याद रखना है, हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते समय, ये कन्फ्यूजन आज सबका क्लियर होगा, हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते समय
ये चीज़ कभी नहीं देखते। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिगेंड का नाम देख के दिया जाता है। ये डाई टाई टेट्रा पेंटा ये सब चिल्लर वर्ड्स है, इनको देख के हम लोग कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देते। डज नॉट डिसाइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, याद रखने का भाई इसको, डज नॉट डिसाइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं दिखाते हैं भाई ये सारे के सारे, याद रखने का, याद रखने का। ये आप लोग सोच रहे होगे कि एक्वा में ए पहले आता है, आइसो में बाद में आता है आए, फिर यहाँ पे पी तो पहले आएगा, पी तो बाद में आता है, कन्फ्यूजन चल रहा था। ये पेंटा जो है ना भाई, पेंटा ये आप सोच रहे होंगे जो पेंटा है, ये डाई टाई ट्रेट्रा पेंटा हेक्साई कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं करते, इसीलिए मैंने एक्वा आइसो लिखा, समझे। लो इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं ये वाले कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है। सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पे पीटी इथिलीन डायमिन 2 times, SCN 2 times, +2, ठीक है भाई, +2। चलो देखते हैं, यहाँ पे मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है प्लैटिनम का, तो मैंने इसको X लिखा, बीच बीच में प्लस साइन, ठीक है भाई, प्लस साइन। आगे बढ़ेंगे, इथिलीन डायमिन के नीचे कौन सा नंबर है, 2, इसलिए यहाँ पे आएगा 2, ठीक है भाई। इथिलीन डायमिन के नीचे में 2 नंबर है, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, ठीक है। अब देखो, चेक करो, इथिलीन डायमिन जो है आपका, इथिलीन डायमिन उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं रे बाबा, उसके ऊपर 0 चार्ज है, इथिलीन डायमिन के ऊपर में 0 चार्ज है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। फिर प्लस, बीच बीच में प्लस साइन, इस HCN के नीचे में कौन सा नंबर है, 2, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। चेक करो भाई, HCN के ऊपर में चार्ज कितना है, यहाँ पे 2 नंबर था इसलिए 2 आया, बट HCN के ऊपर में चार्ज कितना है, चेक करो कितना चार्ज है भाई HCN के ऊपर में, -1 चार्ज, -1 चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है, +2, एक्स, 2000 हो जाएगा भाई, 2100 कितना होता है, 2, -2 इक्वल्स टू +2, तो एक्स। सुनो भाई, ध्यान दो, ज़रा ध्यान दो सारे के सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना, जब ये -2 इधर से इधर जाएगा तो वो +2 बन जाएगा, ये +2 ऑलरेडी था, तो 2 + 2 कितना होता है, +4, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, +4। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो +2 है, काय को मैम इतनी मगजमारी करी, क्यों इतना हमाली कर रहे हो, याद रखने का, ये +2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज है, मेटल के ऊपर का थोड़ी है, मेटल के ऊपर का चार्ज है +4, याद रखने का, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, ये है आपका सबसे पहले लिगेंड, ये 2 लिगेंड आ गए, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किसको पहले लिखा जाए, किसको पहले लिखा जाए। EN मतलब होता है भाई आपका इथिलीन डायमिन, EN मतलब होता है आपका इथिलीन डायमिन, ठीक है, और HCN मतलब होता है आपका थायोसाइनेटो, ठीक है ना भाई। EN मतलब होता है इथिलीन डायमिन और HCN मतलब होता है आपका थायोसाइनेटो, ठीक है। चेक करो ज़रा, यहाँ ये चालू हो रहा है E से, ये चालू हो रहा है T से, कॉम्पिटिशन क्यों चल रहा है? अगर मेटल के साथ में एक ही लिगेंड आता तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, बट मेटल के साथ में 2 लिगेंड आ गए तो चेक करना तो बनता है भाई, किसको पहले लिखना है किसको बाद में, वो भी गलत नहीं होना चाहिए। याद रखना, अगर आप अभी आपका टाइम दे रहे हो ना, ये वाला, ये टाइम आपको 100% पे करेगा, आपको ये जो टाइम आप दे रहे हो, आपको JEE नीट सारे क्वेश्चन लगा लूँगे उसमें के, MHT CET और जो भी आपका 12th स्टेट बोर्ड का है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाओ। ये क्लास देखने के बाद में ट्राई करके देखो कुछ क्वेश्चंस को, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ कॉम्प्लेक्सेस के, आप वो ट्राई करो, अगर चाहिए तो मैं दे दूँगी, ठीक है। कमेंट्स में मेंशन कर देना कि इफ़ यू वांट द क्वेश्चंस, तो मैं ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डाल दूँगी जो पेपर में आए हैं और आने के चांसेस है बहुत ज़्यादा, जो मुझे लगता है, और वो आएंगे 100%, ठीक है। तो ये ई है, ये टी है, पहले कौन आएगा, ABCDEF, तो ई पहले आता है, टी बाद में आता है, इसलिए टी बाद में आएगा, ई पहले आएगा, ठीक है भाई। चलो चलो आगे लिखते हैं, दिमाग में क्वेश्चन आता है, चलो एक बार सुनते हैं, सुनो, यहाँ पे इसका नाम है इथिलीन डायमिन, इथिलीन डायमिन, सुनो थोड़ा सा, मैं बता रही हूँ इथिलीन डायमिन, क्योंकि EN का मतलब इथिलीन डायमिन होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में HCN के नीचे में कितना नंबर है, 2, तो इसलिए यहाँ पे डाई आएगा, HCN के नीचे में 2 नंबर है इसलिए वहाँ पे डाई आएगा, ठीक है भाई, इसलिए वहाँ पे डाई आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे, HCN का नाम क्या है, थायोसाइनेटो, HCN का नाम क्या है, थायोसाइनेटो, इसलिए यहाँ पे आएगा डाई थायोसाइनेटो,
ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। डाई थायो साइनेटो हो गया, और आगे बढ़ने का है। अब मुझे लिखने का है मेटल का नाम, प्लैटिनम आएगा या प्लैटिनेट आएगा, क्या आएगा भाई क्या आएगा? सुनो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर में चार्ज कैसा है, प्लस, इसलिए नाम भी कैसा रहेगा, प्लैटिनम। एडी नहीं आएगा, प्लैटिनम। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ लोग सोचेंगे टू है, वो तो चार्ज है कॉम्प्लेक्स का। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया भाई, फोर। बुक में तो ये भी नहीं दिया, ये कैसे निकाला? उनको लगता है सारे स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री है, पीएचडी केमिस्ट्री है, सबको सब आता है। लेकिन याद रखना ये मैं बता रही हूँ भाई, ताकि सबको सब आए। डायरेक्ट भी पढ़ा सकती थी पीपीटी से, बट वो समझ में नहीं आता है वो सब। वो क्या समझता है अगर पीपीटी से दिखा दिया, देखो भाई ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, आप लोग बोलेंगे हाँ हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन सच में जब करने जाएंगे तो आएगा क्या? लिख के देती हूँ, नहीं आएगा। उसके बाद मैं आगे देखूँ यहाँ पे, अब मुझे बताओ यहाँ पे आयन आएगा या नहीं आएगा? कॉम्प्लेक्स के ऊपर में चार्ज है, चाहे प्लस चाहे माइनस, तो आयन आएगा भाई आएगा। फिर भी दिमाग में क्वेश्चन था, मैम ये यहाँ पे तो इथिलीन डायमीन के नीचे में टू है ना क्वेश्चन, यहाँ पे आपने डाई क्यों नहीं लगाया? याद रखने का, जब लिगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई आ जाता है, जब लिगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई आ जाता है, तो ऐसे केस में हम लोग डाई वर्ड फिर से यूज़ नहीं कर सकते। अगर लिगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई आ जाता है, सुनो भाई, इफ़ लिगेंड के नेम में, अगर लिगेंड के नेम में, इफ लिगेंड नेम ऑलरेडी हैव डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा, अगर लिगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा आता है, तो ऐसे केस में आप टू के लिए लिखेंगे बीस, थ्री के लिए लिखेंगे ट्रिस, फोर के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा किस। ये जो किस है, ये वाले किस को आप वो वाला किस मत समझना, मतलब ही नारियल किस है ना, तो इसको आप समझेंगे टेट्रा किस। किसी किसी के दिमाग में और भी खतरनाक वाले ख्याल आते हैं, फिर उसके बाद में बस इतना ही याद रखने का है। तो ये नाम को देख के अलग अलग ख्याल मत लाना अपने दिमाग में, नारियल किस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। तो दो मतलब होता है बिस, थ्री मतलब होता है ट्रिस, और फोर मतलब क्या होता है, टेट्रा किस। लेकिन एक बात याद रखने का, ये कब यूज़ करेंगे नेम, जब लिगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा आता है। जैसे कि यहाँ पे इथिलीन डायमीन के नीचे में टू नंबर है, तो मैं यहाँ पे डाई नहीं लिख सकती, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डाई है, तो मुझे इस डाई के जगह पे कुछ जुगाड़ चाहिए ना, तो इस टू के लिए फिर मैं क्या लिखूँगी, बीस। समझे या नहीं समझे? तो इथिलीन डायमीन के नेम में ऑलरेडी डाई वर्ड आया है, तो अब मैं फिर से डाई यूज़ नहीं कर सकती, तो मुझे बीस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे थ्री होता था तो ट्रिस लगा देते, फोर होता था तो टेट्राकिस। यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे। चलो अब यहाँ पे ये है, तो इस कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले हम लोग सारे के सारे तोड़ेंगे। अगर इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ते तो देखो कैसा टूटेगा, ये है आपका प्लैटिनम। ठीक है भाई, ये आपका प्लैटिनम है, ये है आपका Br2, ये है आपका अमोनिया फोर टाइम्स। सुनो, ये आपका अनायन है, अनायन। जब कॉम्प्लेक्स के पहले कटायन था तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर में चार्ज नेगेटिव था, अब कॉम्प्लेक्स के बाद में अनायन है, अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसका उल्टा वाला। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से जुड़ा है आपका अनायन, अनायन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसका उल्टा, मतलब ही कौन सा आएगा, पॉजिटिव। फिर भी दिमाग में क्वेश्चन है, पॉजिटिव आएगा, समझ गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अनायन से अटैच है, अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव है। हमको आप ये बताओ कितना पॉजिटिव आएगा, कितने ब्रोमीन हैं, दो ब्रोमीन, पॉजिटिव चार्ज भी कितने रहेंगे, दो। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, मुझे इसका निकालने का है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालने का है, तो लिख लेते हैं साइड में प्लैटिनम Br2 टाइम्स NH3 फोर टाइम्स, ओवरऑल चार्ज है +2। सुनो भाई सुनो, प्लैटिनम के ऊपर चार्ज कितना रहता है मुझे निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट x लिखा, बीच में प्लस साइन, ब्रोमीन के नीचे में है 2, इसलिए 2 इंटू, ब्रोमीन के नीचे में कितना नंबर है भाई 2, इसलिए 2 इंटू, ब्रोमीन के ऊपर चार्ज कितना है ज़रा चेक करो, कितना चार्ज है -1, ब्रोमीन के ऊपर चार्ज है -1, तो इसलिए -1। बीच में प्लस साइन, अमोनिया के नीचे में कितना नंबर है 4, अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना है ज़रा चेक करो, कितना चार्ज है अमोनिया के ऊपर में 0, इसलिए यहाँ पे आएगा 0। ओवरऑल चार्ज कितना है भाई +2, ठीक है x, 2 1 2 बट -2, 4 0 सा तो 0 हो जाएगा,
इक्वल्स टू प्लस टू, ठीक है भाई। माइनस टू जब इधर जाएगा तो प्लस फोर हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, है ना। तो टू प्लस टू, एक्स इक्वल का, एक्स का वैल्यू कितना आया भाई, प्लस फोर, ठीक है। चलो इसका नाम लिखेंगे। दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम इसका नाम तो ब्रोमीन है, ठीक है, मतलब ब्रोमो है, और इसका नाम तो अमीन है। दिमाग में बड़े कन्फ्यूजन चल रहे थे भाई, ब्रोमीन पहले लिखे या अमीन पहले लिखे, बड़ा कन्फ्यूजन दिमाग में चल रहा था। याद रखने का, ये ए पहले आता है, बी बाद में आता है, ए बी सी डी होता है ना, तो ए पहले आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपका रहेगा, अमीन के नीचे में कितना नंबर है, फोर, इसलिए नाम रहेगा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, क्योंकि अमोनिया के लिए अमोनिया नहीं लिखते, NH3 को अमीन लिखते हैं, ठीक है। ब्रोमीन कितने हैं, दो, तो डाई, स्पेस मत देना गलती से भी, BR का नाम क्या होता है, ब्रोमो। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये प्लैटिनम है, प्लैटिनेट आएगा या प्लैटिनम आएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसलिए क्या नाम आएगा, प्लैटिनम। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई, कितना है, प्लस फोर, रोमन में लिखने का, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमाइड। दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम ये जो आयन है ब्रोमाइड, इसको क्या लिखे, इसको ब्रोमो लिखे या ब्रोमाइड लिखे। सुनो भाई, ये कोई लिगेंड नहीं है, ये सारे के सारे आपके लिगेंड के नेम है, किसके नेम है, ये सारे के सारे लिगेंड के नेम है, कटायन या अनायन के थोड़ी नेम है। अब ये ब्रोमाइड है, इसको गलती से भी ब्रोमो मत बोलना, इसको ब्रोमो कब बोलेंगे, जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में आएगा, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आएगा तभी इसको ब्रोमो बोलेंगे। अभी ये आपका क्या रहेगा, ब्रोमाइड। फिर दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आयन आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, ये तो मैंने बनाया है, नहीं है ना, ऐसे तो नहीं आएगा। दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है, डाइब्रोमाइड नहीं आएगा क्या, अभी बताया था, चाहे कोई भी कटायन हो या अनायन हो जो कॉम्प्लेक्स के बाहर आता है, उसके साथ में कभी भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाने का। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करती हूँ आगे के कॉम्प्लेक्स की, तो मुझे इसका भी लिखना ही का है ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, ये रहेगा आपका CO, ये रहेगा आपका अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया है आपका 5 times, ठीक है, फिर है CO3। अब आप लोग ही मुझे बताओ, ये अनायन है, अनायन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसे आएगा, पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा भाई, कितना आएगा, अगर ये अनायन है इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर उल्टा आता है, मतलब पॉजिटिव आता है। ये एक क्लोरीन है इसलिए चार्ज भी 1+ रहेगा। अब मुझे इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का है, देखो कैसे निकालेंगे, CO NH3 5 times, CO3, फिर यहाँ पे आएगा 1+, ठीक है। देखो यहाँ पे इस कोबाल के जगह पे मैं लिखूँगी X, बीच बीच में प्लस साइन, अमोनिया के नीचे में है 5 तो 5, और अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना है, 0 तो 0, बीच बीच में प्लस साइन, CO3 के ऊपर देखो भाई, CO3 ये है CO3 के ऊपर चार्ज कितना है, ज़रा देखो, CO3 के ऊपर में आपका जो चार्ज है वो है -2, इसलिए यहाँ पे आएगा -2 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है, +1, ठीक है भाई। तो एक्स 5 0 0 हो जाएगा, -2 और इधर में आएगा आपका +1, तो ये -2 जब इधर जाएगा तो +2 बन जाएगा, तो +2 +1, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, आपके एक्स का वैल्यू यहाँ पे आएगा +3, ठीक है भाई, समझ गया सबको इतना। चलो बढ़ते आगे की तरफ, आगे का पार्ट मुझे देखने का है। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहती हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, लिगेंड का नेम। लिगेंड दो है, एक है आपका अमीन, इसको अमीन बोलते हैं ना, और एक है आपका कार्बोनेटो। चलो देखो भाई, ये अमीन है, ये सी है, ये ए है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो ए पहले आता है, मतलब ए का नाम पहले आएगा। चलो देखो यहाँ पे, अब अमीन के नीचे में है 5, 5 मतलब क्या होता है, पेंटा, 5 मतलब पेंटा होता है, और ये अमोनिया नहीं बोलने का, अमीन है, अमीन, ठीक है भाई। अमीन के स्पेलिंग में एम डबल लगा देना, ठीक है, अमीन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में ये है कार्बोनेटो, ये क्या है, कार्बोनेटो, देख लो नाम नहीं आता है तो, क्या है, कार्बोनेटो। आगे भाई, ये क्या है आपका, कोबाल्ट। क्वेश्चन आता है कोबाल्टेट आएगा या कोबाल्ट, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो कोबाल्ट आएगा, ठीक है।
ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ लोग इसका प्लस वन लिख देंगे, याद रखना है थ्री आया है, रोमन लेटर्स। उसके बाद में यहाँ पे क्लोराइड है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये क्लोराइड लिखूँ या क्लोरो लिखूँ, याद रखना है भाई कि काउंटर आयंस जो होते हैं ये सारे के सारे क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये आपके लिगेंड के नाम है, काउंटर आयंस के नाम नहीं है। काउंटर आयन मतलब जो आयन बाहर होता है वो कभी लिगेंड नहीं होता है, उसका नाम जैसा है वैसा रहेगा, क्लोराइड। कुछ लोग सोच रहे होंगे उसको भी मैं क्लोरो बना दूंगा, बट आप उसको क्लोरो नहीं बना सकते, वो लिगेंड थोड़ी है भाई। आयन आएगा या नहीं आएगा कुछ लोग सोचेंगे क्या होगा, सुनो भाई यहाँ पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, इसलिए आयन नहीं आएगा। ये तो मैंने बनाया है ना, ये थोड़ी दिया था, ये तो मैंने बनाया। नीचे आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ, इसके बाद वाला जो एक कॉम्प्लेक्स है वो आप सबके लिए होमवर्क है, ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, डुप्लीकेट ऐसा ही है, टाइम सेव होना चाहिए, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स आप लोग करेंगे, ठीक है। चलो ये वाले कॉम्प्लेक्स को देखते हैं भाई, CO NO2 थ्री टाइम्स, अमोनिया थ्री टाइम्स, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, अब मुझे देखने का है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहली चीज़ ये है, इसका मुझे निकालना है, इसलिए मैंने एक्स लिखा, बीच में प्लस साइन, एन ओ टू के नीचे में थ्री है इसलिए थ्री इंटू आएगा। एन ओ टू के ऊपर में चार्ज कितना होता है ज़रा चेक करो, माइनस वन, कितना चार्ज होता है माइनस वन, तो माइनस वन। फिर से बीच में प्लस साइन, अमोनिया, अमोनिया के नीचे में कितना नंबर है थ्री इसलिए थ्री। अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो चार्ज, इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज ज़ीरो है तो ज़ीरो आया, ठीक है। एक्स प्लस थ्री वन ज़ार थ्री, माइनस थ्री, थ्री ज़ीरो ज़ार ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। जब ये माइनस थ्री उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस थ्री, तो इसका वैल्यू कितना आया, प्लस थ्री आया। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, दिमाग में क्वेश्चन आता है अल्फाबेटिकली कैसे अरेंज करें। ये आपका नाइट्रो है और ये आपका अमीन है, अमीन ए से चालू हो रहा है, नाइट्रो एन से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अमीन पहले आएगा, ठीक है भाई। चलो देखते हैं आगे, तो आपका यहाँ पे अमीन पहले आएगा, बट अमीन के नीचे में कितना नंबर है थ्री इसलिए ट्राई। जब भी पहला आपका यहाँ पे आपने ये देखा थ्री है, थ्री मतलब ट्राई होता है, ठीक है भाई, थ्री मतलब ट्राई। ये क्या है, ये है आपका अमीन, स्पेस मत देना। आगे बढ़ेंगे, ये है थ्री मतलब फिर से आएगा ट्राई। अब ये है NO2 मतलब क्या होता है नाइट्रो, NO2 मतलब क्या होता है भाई नाइट्रो, ठीक है। ये है आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट एट आएगा या कोबाल्ट आएगा, क्या होगा सुनो, क्या कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। क्या कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नहीं। क्या कॉम्प्लेक्स किसी कटायन से अटैच है, नहीं। तो नाम सिर्फ नॉर्मल रहेगा कोबाल्ट। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए या कॉम्प्लेक्स किसी कटायन से अटैच हो जाए तब ही एटी आता है, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है थ्री रोमन लेटर्स में, आयन आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है तो आयन नहीं आएगा, ठीक है। लो इसका सारे के सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलो भाई लास्ट ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपका नाम है FeCO5 टाइम्स, ठीक है, ज़रा सुनना। एफ ई को हम लोग लिखेंगे एक्स है, बीच में प्लस साइन, कार्बोनिल के नीचे में फाइव है तो फाइव, कार्बोनिल के ऊपर चार्ज कितना है भाई ज़ीरो चार्ज। कुछ लोग कोबाल्ट समझते हैं उसको, ज़रा सुनो भाई, कोबाल्ट को हम लोग सी ओ ऐसा लिखते हैं, ये आपके कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर सी ओ ऐसा आया तो ये आपके कार्बोनिल का रिप्रेजेंट करता है, ज़रा समझो इस डिफरेंस को, ये कोई नहीं बताता है, ठीक है। ये आपका कार्बोनिल है, सी ओ है भाई, वो सी ओ कार्बोनिल है वो, तो CO के ऊपर चार्ज ज़ीरो है, ठीक है, इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज भी ज़ीरो है भाई। तो X प्लस फाइव ज़ीरो जा ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, X का वैल्यू ज़ीरो आया, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे पहले लिगेंड का नेम, यहाँ पे क्या है फाइव, फाइव मतलब क्या होता है पेंटा, CO मतलब क्या होता है भाई, CO मतलब कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल, ठीक है। और ये आयरन है, आयरन लिखूँ या फरेट लिखूँ, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नो चार्ज, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है ना तो कॉम्प्लेक्स कटायन से अटैच है, तो यहाँ पे आयरन आएगा। चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो इसलिए ज़ीरो। आयन आएगा या नहीं आएगा, क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नहीं, तो आयन नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट कॉम्प्लेक्स को देख लेते जल्दी से, सुनो भाई, RH NH3 थ्री टाइम्स, SCN थ्री टाइम्स, ठीक है भाई। सुनो सबसे पहली चीज़, इसको लिखेंगे X, बीच में प्लस साइन,
अमोनिया के नीचे में 3 है तो 3 × अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना है 0, तो 0 चार्ज, ठीक है। बीच बीच में प्लस साइन, HCN के नीचे में कितना नंबर है 3, HCN के ऊपर चार्ज कितना है, कितना चार्ज है -1, तो -1। ओवरऑल चार्ज कितना है भाई 0, ठीक है। x प्लस 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस साइन है इक्वल्स टू 0। जब ये -3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3, तो ये हो गया। चलो लिखते जल्दी से इसका नाम भी, दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या लिखेंगे। इसका नाम है अमीन, इसका नाम है अमीन, और इसका नाम है थायोसाइनेटो, जो भी होगा। ये अमीन ए से चालू हो रहा है और ये टी से चालू हो रहा है, मतलब अमीन पहले आएगा, ठीक है भाई। चलो लिखते हैं भाई, इसका नाम अमोनिया के नीचे में क्या है 3, 3 मतलब क्या होता है ट्राई। ये है आपका अमीन, अमोनिया मत बोलना भाई, अमीन बोलते हैं इसको, अमीन। यहाँ पे 3, 3 मतलब क्या होगा, फिर से ट्राई, स्पेस बिल्कुल भी नहीं आने देने का। HCN, HCN का नाम क्या होता है थायोसाइनेटो, 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 समझे या नहीं समझे। आगे रोडियम, इसका नाम क्या है भाई रोडियम, ऊपर ये वाले लाइन में थोड़ा सा लेके जा रही हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3, आयन आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है भाई, ख़त्म, ख़त्म हो गया। सुनो, ये आपने अगर अपना टाइम देके दिया होगा, मुझे पता है सारे के सारे 2x वाले स्पीड पे देखते हैं कि नहीं, 2x या 1.25x, मुझे पता है, जाने दो, छोड़ो। काम की चीज़ ये, जो भी स्पीड पे देखो बस पेपर में उसी स्पीड के साथ करके आओ और पूरे के पूरे मार्क्स लेके आओ। इस वीडियो के लिए आपका लाइक तो बनता ही है भाई, प्लीज़ डू लाइक। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, सारे के सारे कमेंट्स नहीं कर रहे, कमेंट करो भाई, कमेंट, ठीक है, लाइक करो। ये मुझे लाइक्स और कमेंट्स आपके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, इसलिए ये सब करते रहो, मुझे ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय।